नमस्कार, भक्ति सफर में आप सभी का स्वागत है। शनि अपनी दशा के दौरान व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देता है। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं, और जो बुरा कर्म करता है उसे बुरे परिणाम का भुगतान करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि एक करुण देव के तौर पर देखे जाते हैं। शनि का स्वभाव सत्य का पालन करने वालों में से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो भी गलत काम करता है शनि उसे दंड देते हैं, गंभीर रूप से उसका परिणाम प्रदान करते हैं, क्योंकि शनि देव कर्म फलदाता कहलाते हैं। मानव के अच्छे बुरे कामों का हिसाब किताब शनि के जिम्मे में है। इसी कारण से शनि भगवान को दंड अधिकारी या कलयुग के न्यायाधीश भी कहा जाता है। शनि की 7.5 या 8 इसे शुभ फल देने वाला नहीं मानती है। लोगों की धारणा है कि शनि देव इस अवस्था में बुरे फल प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विशेष परिस्थितियों में शनि शुभ फल भी प्रदान करते हैं। मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं। वर्तमान समय में शनि देव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि अपनी ही राशि में शनि विराजमान है। लेकिन शनि वक्रीय है इस समय। माना जा रहा है कि शनि जब वक्रीय होते हैं तो पूरी तरीके से शुभ फल प्रदान करते हैं, इसीलिए इस राशि के लोगों पर इस समय अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही सावधानी बरतने की भी जरूरत है। इसके साथ ही शनि कुंभ राशि के लोगों के स्वामी भी है और मकर के बाद वे कुंभ राशि में आएंगे। धनु राशि और मीन राशि वालों को शनि देव परेशान नहीं कर सकते हैं। इस राशि के लोग यदि नियमों का पालन करते हैं तो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो शनि देव इन राशि वालों को मान सम्मान और धन की प्राप्ति करवाते हैं। शनि की सबसे प्रिय राशि की बात करें तो तुला राशि शनि की सबसे प्रिय राशि है। इस राशि वालों को शनि दुख और कष्ट प्रदान नहीं करते हैं। तुला राशि वाले यदि दूसरों का भला करते हैं, उनकी उन्नति में सहायक बनते हैं, तो शनि अप्रदर्शित फल प्रदान करते हैं। ऐसे लोग जीवन में उच्च पद हासिल करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। भक्ति से जुड़ी हुई ऐसी तमाम स्टोरीज देखने के लिए बने रहिए भक्ति सफर के साथ।